इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर थ्री डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर बार ग्राफ की सहायता से दीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ गिवन है, पहले हम बार ग्राफ को रीड करेंगे। इस बार ग्राफ में सबसे नीचे पेट एनिमल्स शो हो रहे हैं और इस साइड में यहाँ एनिमल स्टूडेंट्स की संख्या शो हो रही है। जो ये कॉलम खड़े हैं इन्हें जो है बार ग्राफ बार कहते हैं। अब देखिए यहां पर डॉग्स के बार की हाइट 8 तक जा रही है, इसका मीनिंग हुआ कि 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉग्स को पालते हैं। कैट्स के बार की हाइट जो है वो 10 तक जाती है, इसका मीनिंग हुआ कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैट्स को पालते हैं। रैबिट के बाल की हाइट 2 तक जाती है, इसका मीनिंग हुआ कि 2 स्टूडेंट्स जो है वो रैबिट्स को पालते हैं। हैमस्टर्स के बाल की हाइट जो है 4 और 6 के बीच में जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्टूडेंट्स जो है वो हैमस्टर्स को पालते हैं। अब देखिए अदर्स एनिमल्स के बाल की हाइट जो है 2 और 4 के बीच में है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर एनिमल्स को पालते हैं। क्वेश्चन वन का ये पार्ट है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो हम इस बायोग्राफ में देख रहे हैं कैट्स के बायोग्राफ की हाइट सबसे ज्यादा है, यहां पर जो है 10 स्टूडेंट्स जो है कैट को पालते हैं, तो इसका आंसर जो है वो कैट्स हो जाएगा। यहां लिख देंगे कैट्स इज द मोस्ट कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। बी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉगी पेट, कितने स्टूडेंट्स जो हैं पालतू पशु कुत्ते को पालते हैं। तो यहां देखिए डॉग्स के बाल की हाइट 8 तक जाती है, तो 8 स्टूडेंट्स जो हैं डॉग्स को पालते हैं। तो यहां लिख देंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग ए पैट। क्वेश्चन नंबर टू, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित बार ग्राफ को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा लगातार 5 वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। पहले जो है हम बार ग्राफ को रीड करेंगे। बायोग्राफ में ये नीचे की साइड में जो है यस दे रखे हैं, ये जो है 5 लगातार
वर्षों को दर्शा रहा है। पहला ईयर्स है 1989, सेकेंड ईयर्स है 1990, थर्ड ईयर्स है 1991, फोर्थ ईयर्स है 1992 और फिफ्थ ईयर्स है 1993। और इस साइड में बुक्स की संख्या को प्रदर्शित कर रही है लाइन, और स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स दिया गया है। अब देखिए यहां से 0 से लेकर 100 तक जो है ये 1 सेंटीमीटर को शो कर रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर में 100 बुक्स को लिया गया है, 2 सेंटीमीटर में 200 बुक्स और 3 सेंटीमीटर में जो है 300 बुक्स को शो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, 1989 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गईं? ये हमें पुस्तकों की संख्या इसे हम बतानी है। अब देखिए 1989 की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, एक पार्ट जो है वो 25 के बराबर है। तो देखिए 0 से यहां तक हो गया एक पार्ट 25, यहां से यहां तक हो गया फिर दूसरा पार्ट हो गया 25, लेकिन 0 से हम देखेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर आगे जो है 50 में 25 ऐड कर देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में फिर 25 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1 पार्ट जो है 25 के बराबर है, सेकंड पार्ट जो है वो 50, थर्ड पार्ट जो है 75 और फोर्थ पार्ट जो है 100 के बराबर है। हम बात कर रहे थे 1989 ईयर्स की। अब ये देखिए इसकी हाइट जो है वो 100 से ज्यादा और 200 से थोड़ी सी कम है, तो हम ये थोड़ी सी कम क्या है, एक पार्ट कम है। अब एक पार्ट हमने कितना समझा है, 25 माना है, तो और तो कितने बचे हमारी ये पार्ट, 3 पार्ट बचे यहां से यहां तक, और 3 पार्ट जो है वो 75 के बराबर हैं, तो 100 में हम 75 ऐड कर देंगे, तो 1989 में बेची गई बुक्स की जो संख्या आ गई 175 आ गई। तो यहां हम राइट करेंगे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ईयर 1989 में जो है बेची गई बुक्स की संख्या आ गई 175 बुक्स। अब देखिए 1990 की बात करेंगे हम। अब देखिए 1990 ईयर्स की हाइट जो है वो 400 से ज्यादा और 500 से कम है। अब देखिए इसकी 500 से बस थोड़ी सी एक पार्ट कम है, एक पार्ट कितनी कम है, 25 कम है,
ये थ्री पार्ट हो गई। थ्री पार्ट कितनी होती है, 75 होती है। तो 75 जो है 400 में प्लस कर देंगे तो 1990 की जो है बुकों की संख्या जो आ जाएगी वो 475 आ जाएगी। तो यहां लिख देंगे हम 475 बुक्स। अब देखिए 1992 की बात करेंगे हम। अब देखिए 1992 ये जो है 200 से एक पार्ट ज्यादा है। जब ये एक पार्ट ज्यादा है तो एक पार्ट में कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। एक पार्ट जो है 25 के बराबर है तो यहां पर 200 में 25 ऐड कर देंगे तो 1992 के बुकों की संख्या जो है 225 आ जाएगी। तो यहां लिख देंगे 225 बुक्स। पार्ट सेकेंड, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, किस वर्ष में, अबाउट का मीनिंग लगभग, किस वर्ष में लगभग 475 बुक्स बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 बुक्स बेची गई। तो हमें यहां पर जो है इन बुक्स की ईयर बताना है कि कौन से ईयर में बुक्स बेची गई। सेकंड पार्ट है 475 बुक्स। देखिए हमने पहले ही पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 475 बुक्स जो है 1990 में बेची गई। तो यहां लिख देंगे हम आंसर में इन 1990। अब देखिए 225 बुक्स जो हैं वो 1992 में बेची गई। यहां हम राइट कर देंगे 1992। अब पार्ट थर्ड है, इन विच ईयर्स वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गईं। यहां पर फेवर का मीनिंग जो है वो कम से है। तो देखिए 250, अब इस बार ग्राफ में हम देखेंगे 250 से नीचे कौन कौन से ईयर्स आ रहे हैं। अब देखिए 250 जो है 200 और 300 के बीच में आएगा और इसके बीच में हम एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके नीचे देखेंगे कौन कौन से ईयर्स आ रहे हैं। अब इस लाइन के नीचे देखो दो दो ईयर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा 1989 और दूसरा आ रहा है 1992। इन दोनों ईयर्स में जो है सबसे कम बुक बेची गई। तो यहां पर हम लिख देंगे थर्ड पार्ट में इन 1989 एंड 1992 फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड। यहाँ आएगा वर सोल्ड। पार्ट फोर्थ है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन कैसे करेंगे। तो देखिए 1989 की हम बात करें तो 1989 की जो हाइट है वो 100 से ज्यादा
और 200 से एक पार्ट कम है, तो 0 से 100 तक तो एक पार्ट हो जाएगा, और यहां पर जो है 100 से और इसकी हाइट तक 3 पार्ट हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं वन होल, एक पार्ट तो पूरा हो गया, और 3/4 पार्ट और है। तो देखिए इसे जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना होगा 7, 7/4। अब इसे जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और 25 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 7 जा होते हैं, 7 जा होते हैं 175। अब ये जो है 175 बुक्स में चेंज हो गया। तो यहां पर जो है 1989 जो है 175 बुक्स को बेच रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 175 बुक्स आए, तो 1989 ईयर्स में 175 बुक्स बेची गई। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, इन आंकड़ों को, नीचे दिए गए आंकड़ों को एक बार ग्राफ के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए, और नीचे जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, तुम स्केल जो है किस प्रकार चुनोगे। तो देखिए ये जो गिवन डाटा है इसका जो है हम बार ग्राफ बनाएंगे। चलो देखिए, अब देखिए इन आंकड़ों के आधार पर जो हम स्केल को मानेंगे, स्केल मानेंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, 1 यूनिट जो है वो 10 चिल्ड्रन के इक्वल मानी हमने। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। अब देखिए क्लास फिफ्थ में जो बच्चों की संख्या है 135 है। अब यहां देखेंगे 135 जो है कहाँ आ रहा है, 130 और 140 के बीच में आ रहा है। तो यहां से जो है हम यहां लाइन ड्रा करेंगे,
अब ये डिस्टेंस भी जो है वन यूनिट ही होगी और ये सारी डिस्टेंसेज जो हैं वन यूनिट के बराबर होंगी। इधर भी डिस्टेंस बराबर होती हैं और नीचे की साइड में भी डिस्टेंस बराबर होती हैं। और यहां हम लेंगे क्लासेस और इधर लेंगे हम नाम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इधर जो है बच्चों की संख्या। अब देखिए ये आ गई हमारी 135, फिफ्थ क्लास आ गई 135। यहां लिख देंगे फिफ्थ क्लास, फिफ्थ। अब देखिए अगली क्लास की बात करते हैं, सिक्स क्लास जो है 120 शो कर रहा है, तो 120 के सामने देखेंगे और यहां से लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन आ गई हमारी 120, ये ग्राफ आ गया 120 का। अब देखिए सेवेंथ क्लास में बच्चों की संख्या है 95। अब 95 जो है 90 और 100 के बीच में आएगा, एट्थ क्लास में बच्चों की संख्या जो है 100 है। आप देखिए 100 यहां पर आ रहा है ऊपर, तो यहां हम लाइन ड्रा कर देंगे तो इस टाइप से जो है हमारा बार ग्राफ तैयार हो रहा है। ये आ गया हमारा 100। अब देखिए नाइन्थ क्लास में बच्चों की संख्या जो है वो 90 है। अब देखिए 90 का ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, और टेंथ क्लास में बच्चों की संख्या जो है 80 है। अब देखिए 80 का बार बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप से जो है हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब इसमें जो है हम क्लास के भी नेम राइट कर देंगे, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम है और किस कक्षा में मिनिमम। तो देखिए सॉल्यूशन आ गया हमारा, यहां पर एक आंसर आ गया था हमारा स्केल वन यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बी का फर्स्ट पार्ट है तो सबसे मैक्सिमम बच्चों की संख्या कितनी है, तो इस बार ग्राफ में भी देख के हम बता सकते हैं
और इस डाटा में भी हम देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए डाटा में देखिए कि 5th क्लास में 135 बच्चों की संख्या है और इन सभी से ज्यादा है। और बायोग्राफ में भी देख लीजिए कि जिस जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी तो उसी में जो है उसी क्लास में जो है बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। यहां पर 5th क्लास में 5th क्लास की जो है हाइट सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर बच्चों की संख्या जो है 5th क्लास की सबसे अधिक है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब पूछा सबसे कम बच्चों की संख्या जो है कौन सी क्लास में है। तो देखिए सबसे कम बच्चों की संख्या जो है वो 10th क्लास में है। और बायोग्राफ में भी पता चल रहा है कि इसकी हाइट सबसे कम है 10th क्लास की। तो 10th क्लास के बच्चों की संख्या जो है सबसे कम है। यहां लिख देंगे 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर, पार्ट सेकंड नहीं है, पार्ट फर्स्ट का ही पार्ट है। तो 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड पार्ट है बी का, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। क्लास 6 के विद्यार्थियों की संख्या का और क्लास 8 के विद्यार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो हमें क्लास 6 और क्लास 8 की स्टूडेंट्स की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये रेशियो इजिकल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। 6 में स्टूडेंट्स की संख्या है 120 ऐड कर देंगे और 8th क्लास में है स्टूडेंट्स की संख्या 100, तो 100 ऐड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 5 10, 2 6 12, रेशो आ गया हमारा 6:5।